गुड़ का नाम लेते ही मुंह में एक मिठास का आनंद अपने आप ही आ जाता है और खास तौर से सर्दियों में गुड़ का प्रयोग पूरे देश में होता है। पर यही गुड़ किसान जब शुद्धता से बनाकर अपने खेत से मंडियों में लाता है तो मंडियों में आकर इसकी दुर्दशा क्या होती है, ये हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। गुड़ की ऊपर जूते चप्पल पहनकर चढ़ते व्यापारी, मंडी कर्मचारी, कोई चप्पल पहने हैं, कोई जूता पहने हैं, कोई नंगे पैर है और इन गुड़ की भेली पर किसी आम रास्ते की तरह चल रहे हैं जनाब। जी हाँ, ये हाल है देश की सबसे मिठास वाली मंडी और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले गुड़ मंडी की। मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला को गुड़ की मिठास के लिए जाना जाता है और खास तौर से करेली मंडी का गुड़ पूरे भारत के कोने कोने में जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने गुड़ को शुद्ध बनाने के लिए एक मुहिम चलाई थी और वह कारगर भी हुई और गुड़ में मिलावट होना बंद हो गया। पर जब ये गुड़ मंडियों में आता है उस समय हमारे कैमरों ने जो कैद किया उसे देखकर कोई भी गुड़ खाने से परहेज कर सकता है। किसानों के खेतों से लाखों टन गुड़ जब मंडी में आता है तो इन मंडियों में उसको खरीदने वाले खरीदार व्यापारी उस गुड़ के ऊपर जूते चप्पल पहनकर चलते फिरते नजर आ रहे हैं और इससे किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ये कल्पना से बाहर है। किसान मानते हैं कि यह गुण भगवान की भूख से लेकर आम आदमी की थाली तक जाता है, पर व्यापारियों का इस तरह जूते चप्पल पहनकर गुड़ के ऊपर घूमना किसान को भी दुखी करता है। लेकिन उनकी मजबूरी है, उन्हें अपने गुण बेचना है चाहे उसके साथ जो हो। वहीं जब इस संबंध में हमने व्यापारियों से बात की तो उन्होंने सीधा आरोप मंडी प्रशासन पर लगा दिया। उनका कहना है कि जब गुड़ को किसान मंडी में लाता है तो ये मंडी प्रशासन की जवाबदारी है कि गुड़ के पारियों के आसपास जगह रहे ताकि हम उसकी जांच परख कर गुड़ खरीद सके, पर जब जगह ही नहीं होगी तो मजबूरी में हमें उसके ऊपर ही चढ़ाना होता है। हालांकि वे भी इसे खराब मानते हैं पर मजबूरी बताते हैं। वही मंडी प्रशासन जान कर भी अनजान है। प्रशासन का कहना है हमने चूने की लाइन डलवा दी है, उसके अंदर ही गुड़ रखा होना चाहिए और हमें नहीं लगता कि कोई गुड़ के ऊपर चढ़ा होगा। पर आश्चर्य की बात ये है कि मंडी कर्मचारी बोली लगाने के दौरान खुद भी गुड़ पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। नरसिंहपुर से अंकित नेमा की रिपोर्ट। सर, वो एक मनोरोगी है, मनोरोगी जंजीर से बंधा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मनोरोगी के संबंध में पहले SDM को अधिकारिता थी, वर्तमान में यह अधिकारिता माननीय सिविल न्यायालय को है। तो संबंधित जो आपने जैसे बताया, पुलिस थाने में उनका मैसेज करके पुलिस उस व्यक्ति के संबंध में संबंधित न्यायालय में एक इस्तगासा तहरीर पेश करती है, जिसके आधार पर मेडिकल बोर्ड से जो डॉक्टर से मिनिमम डॉक्टर से वो परीक्षण करते हैं कि वो वास्तव में मनोरोगी है, फिर उसको मानसिक आरोग्यशाला भेजने का न्यायालय यदि उचित समझती है तो आदेश करती है। तो जंजीर से बंधा हुआ है काफ़ी दिनों से वो। प्रथम दृष्टया फोटो देखने से तो लग रहा है कि वो मानसिक रोगी है और यदि ऐसा है तो संबंधित थाने को मैसेज कर दिया जाएगा और वे उसके इलाज की व्यवस्था कराएंगे। पहले से जैसी आपने कही ने लाइनें डलवाई, बताइए, गुड़ की करेली बड़ी ऐतिहासिक मंडी है, यहाँ का गुड़ पूरे भारत में जाता है, इस गुड़ को पूजा पाठ से लेकर खाने के लिए उपयोग किया जाता है, और जिस तरह यहाँ व्यापारी हैं, आपके मंडी के लोग हैं, जिस तरह चढ़ते हैं गुड़ के ऊपर, क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था सुधारनी? नहीं, हमने व्यवस्था सुधारने के लिए जैसे पूर्व में बात हुई थी उसके मुताबिक हमने लाइनें भी डाली हैं, उसमें लाइनों में कर्मचारी वो लगवाती हैं गुड़ की ढेरियाँ जो भी हैं और उस पर नहीं चढ़ने देती हैं हम लोग। अब इसके बाद में भी हजारों के बीच में कुछ किसान आते हैं, कुछ अनदेखा करके कुछ लोग कर देती हूँ, तो वो एक बात। अभी हम मौके पे थे, अभी आपके जो जो व्यापारी हैं और आपके जो मंडी कर्मचारी बोली लगा रहे थे, उस बोली के दौरान भी लगातार सभी लोग गुड़ पे चढ़ रहे थे और उनका कहना है कि वह चूंकि वहाँ जगह नहीं रहती इसलिए हम लोग चढ़ते हैं, तो जगह क्यों नहीं है? नहीं, जगह तो वह नीचे भी लगवा रहे हैं अपन गुड़ और सेटों में भी लगवा रहे हैं और उसकी जो व्यवस्था है पहले से बहुत ज़्यादा सुधार कर दिया गया है और शेष है तो कुछ
कहीं कहीं गड़बड़ होगी तो उसको देख के हम और सुधार कर पाएंगे। व्यापारियों का कहना है कि हमने पहले भी मंडी प्रारंभ व्यापारियों ने प्रारंभ के पहले व्यापारियों से ना हमारी कर्मचारियों से सबसे बात भई है, लाइनें भी डलवाई, अब कुछ किसान आ जाते हैं, कुछ व्यापारी बाहर से भी आते हैं, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि बोर्ड आपका इतना पास पास लगा है कि व्यापारियों के पास वहाँ जगह नहीं खड़े होने के लिए, तो बुकड़ों को व्यवस्थित लगवानी जवाबदारी नहीं, व्यवस्थित लगा रहे हैं, पूरे सेटों में लगा हुआ है और गोड़ पूरे प्रांगण में भी लगा हुआ है। अभी कोई मौसम खराब की वजह से कुछ ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है, मैं आप बताऊँ, और कहीं व्यापारी या कोई किसानी मतलब खुद जाए तो बात एक अलग है, बाकी कर्मचारी और व्यापारी हमारी पूरी व्यवस्था चल रही है और आगे भी हम जो भी कुछ कमी होगी तो उसे और सुधार करें। गुड़ खाने के योग्य होता है, कितना उसको मानते हैं शुद्ध होना चाहिए क्या है? तो गुड़ तो खाने के लिए योग्य भी है, वो तो पूजा पाठ के भी काम में आता है, तो उसके तो अपन शुद्ध ही मानते हैं उसके लिए, और शुद्ध ही रहना चाहिए। लेकिन पैर से होके कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं? तो ये तो पैर से तो अपने यहाँ से तो नहीं कर रहे अपन लोग, बाकी अब वैसे तो अब हज़ारों के बीच में अनाज की भी ढेरी लगती है यहाँ पर, उसमें भी किसान व्यापारी सभी हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं, बाहर से भी आते हैं, आके भी आती है, तो कहीं की कुछ हो जाए वो बात एक अलग है। सुधार के लिए कुछ और सुधार के लिए अब यही इंतजाम है, अपन ने लाइन डार के लगवा रहे हैं, और भी यदि कोई ऐसी बात है तो विशेष और भी अपन खड़े होकर कर्मचारियों को और उनको खड़े होकर और भी लाइन से लगवाएंगे। क्या नाम है आपका? किस मेरा, मैं मंडी सचिव नारायण सिंह रघुवंशी।